तो उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि साइबर लगातार बढ़ता जा रहा है सर, और ऐसी जगह से साइबर अपराध हो रहा है कि जहां मतलब अन्य प्रदेशों से, तो किस तरीके से पुलिस उसको देख रही है? साइबर क्राइम पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, हमारे प्रदेश के लिए भी चुनौती है, और इसके बड़े बड़े सेंटर्स बन गए हैं। पहले जामतारा था, फिर मेवात है, भरतपुर है, तो इसके लिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। वैसे केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा NCRP करके नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है, हेल्पलाइन भी बनाई गई है। इस पर फ़ोन करने से अगर आप जल्दी फ़ोन कर देते तो आपका पैसा बैंक में फ्रीज करा जा सकता है, जिससे वह क्रिमिनल तक नहीं जाएगा। ये लोगों को इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। बाकी हमारे पूरे प्रदेश में 2 साइबर थाने, देहरादून में और पंतनगर में, और हर जिले के हर थाने को भी कहा गया कि वो भी साइबर कंप्लेंट्स को एंटरटेन करे, उनको उनके ऊपर कार्रवाई करे, और हम लोग टीमें बना करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। इसलिए हमारा जो परसेंटेज ऑफ वर्कआउट है वो देश भर में काफ़ी अच्छा माना गया है। साइबर क्राइम में उत्तराखंड को काफ़ी टॉप पुलिस में से गिना जाता है। सर, जिस तरीके से लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और नशे की जो बड़ी मात्रा में यहाँ पर बरामदगी पुलिस के द्वारा की जा रही है, किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी टीमें बनाई गई है, और जो स्थानीय पुलिस है हर जिले की, क्योंकि पहाड़ों तक सर नशा पहुँच रहा है, उसको लेकर के किस तरीके से उत्तराखंड पुलिस काम कर रही है? देखिए, नशे के विरुद्ध हमने अब नई स्ट्रेटजी बनाई है कि जिनके पास भी कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिलती हैं उनकी संपत्तियां जब्त कराएंगे। तो अभी हमने ऐसे 20-30 लोग चिन्हित कर लिए हैं और उनकी संपत्ति जब्तीकरण की प्रक्रिया शुरू है। आज भी हमने उसकी समीक्षा की है, तो इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर, जिस तरीके से आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हो और जो जिले के कप्तान हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ऑनलाइन सिस्टम और पुलिस लगातार ऑनलाइन की ओर ध्यान दे रही है, लेकिन अभी भी कई चौकी थानों में जो है लापरवाही देखने को मिलती है, किस तरीके से उस पर मॉनिटरिंग करेंगे सर? नहीं देखिए, अगर कोई पुलिसकर्मी लापरवाही है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं है। ओवरऑल काफ़ी काम हो रहा है, एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स हर जिले में बनाई गई है और काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है। फिर भी अगर कहीं पर किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही या संलिप्तता पाई जाती तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होती है। धन्यवाद सर। तो ये थे उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार जी, जिन्होंने बताया कि लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है और कहीं भी लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी हो उन पर सख्ती से पुलिस काम करेगी। राहुल सिंह, हल्द्वानी।